नमस्कार, मैं हूँ यूएफएल से युक्ति पांडे। आज हमारे साथ मौजूद है यूएफएल के चीफ एडवाइजर मिस्टर गुरुदर्शन शर्मा जी। आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो गुरुदर्शन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम और हमारी जनता जानना चाहेगी, जो आपका ये मार्शल आर्ट का सफ़र रहा, ये जो जर्नी रही जो आपने अपनी ज़िंदगी दी है इसमें आधी, वो कब और कैसे शुरुआत हुई? ये सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे इंटरव्यू के लिए यहाँ पे बुलाया। तो ये सफ़र मेरा बहुत सुहाना सफ़र रहा है मेरी ज़िंदगी का। मैंने मार्शल आर्ट के लिए, ये देखिए, अपना स्पोर्ट्स के लिए पूरा लाइफ लगा दिया है और अभी तक हम मेहनत कर रहे हैं। ये मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा आपको बहुत पीछे ले जाता हूं। 1990 में मैं ब्लैक बेल्ट बना था। अच्छा। 1990 में ब्लैक बेल्ट बनने के बाद उसके बाद मैंने 3 बार में स्टेट का प्रेसिडेंट रहा हूं और मैंने 3 नेशनल गोल्ड मारे हैं, नेशनल गोल्ड, और एक मेरा इंटरनेशनल गोल्ड है, वो काठमांडू में जाके मैंने 1992 में इंटरनेशनल गोल्ड मारा था। और मैं प्रयासरत रहा हूँ शुरू से और हार्ड वर्क किया है। मैं चाहता हूँ कि हमारा जो ये खेल है, ये मतलब सेल्फ डिफेंस हर आदमी को आना चाहिए। ये सेल्फ डिफेंस जो है आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करता है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इस आर्ट से होता है। और आज हमें बड़ी खुशी है कि ये जो UFL जो हम चला रहे हैं ब्रांड, ये मेरा ही स्टूडेंट है मास्टर भूपेश, जो इसके CMD है, ऑल इंडिया इसके CMD हैं और बहुत प्रयास करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मेरा ही स्टूडेंट आज ऐसी इन बुलंदियों को छू रहे हैं, जो कि 4 बार जो है इन्होंने हमारे देश के लिए इंटरनेशनल गोल्ड मारे हैं। और मैं भगवान से कामना करता हूँ कि वो उनके लिए प्रभु का आशीर्वाद बना रहे और दिन रात वो आगे बढ़े। और इसी के साथ स्पोर्ट्स का जो बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में उनका नाम आज सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा और ऐसा हो रहा है, और हम जो है बिल्कुल उनके साथ एकदम कंधा से कंधा मिलाकर, उनके कदम से कदम मिलाकर उनके साथ चले हैं, ताकि हमारा जो युवा वर्ग है, आज बहुत दुख की बात है, आज छोटी सी उम्र में नशे की उसमें नशे की आदत लत पड़ जाती है। तो इसको, इससे दूर रखने के लिए हमने स्पोर्ट्स को जो है, इसी जो अभी हम स्पोर्ट्स यहाँ करा रहे हैं, अभी ग्रेट खली जी, हमारा जो UFL की जो फाइट होनी है, ग्रेट खली जी हमारे ब्रांड एम्बेसडर है और हम यहाँ पर ये जो इंटरनेशनल फाइट करा रहे हैं। और भूपेश जी बहुत ही अच्छे, मतलब एकदम इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं, और हम चाहेंगे इसी तरह सारे जितने भी खिलाड़ी हैं जो नौजवान हैं वो आगे बढ़ें और इस खेल में और हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलें। जी, बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने। हमारे आने वाले युवाओं के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस समय में कि उनका रुझान इस तरफ ज़्यादा आए, ना कि नशे की तरफ। तो गुरुजी, आपसे हमारा दूसरा सवाल ये रहेगा कि इस तरीके के बहुत ही अच्छे लेवल के कार्यक्रम और बहुत ही अच्छी प्रतियोगिता कराने के पीछे जो उद्देश्य है वो क्या है, मतलब एक आप हमें बता दें अपने शब्दों में तो ज़रूर। उद्देश्य की जहाँ तक बात है, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे जो यहाँ हिंदुस्तान की मैं बात करूँ, पूरे भारतवर्ष में नशे की लत से आज जो नौजवान इस तरह से तड़प रहा है, नशे के लिए तड़पता है, मैं चाहता हूँ कि भाई वो इस खेल के लिए तड़पे। नशे के लिए तड़पता है, खेल के लिए अगर वो तड़पता है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और ऐसा नहीं है, हमने कोशिश की है और बहुत सारे युवा हमारे साथ जुड़े हैं और आज हमने कई युवाओं को जो है नशे से मुक्त कराया है। इसमें हम आपको बिल्कुल बहुत सारे हैं, मैं इतना नाम नहीं ले पाऊँगा यहाँ, किसी पर्सनल वो नहीं बोल सकता हूँ, पर हमने कोशिश की है और हमारी कोशिश रंग लाई है। उद्देश्य बिल्कुल क्लियर है, विज़न हमारा एकदम क्लियर है कि हम इस भारत को नशा मुक्त कराना चाहते हैं और अपने इस हिमाचल प्रदेश से इसकी हमने शुरुआत की है। वैसे हमारा ये सीज़न हमारे UFL के हमने बहुत सारा वो कराया है, लास्ट ईयर रामपुर में भी किया था, हिमाचल में दूसरा UFL फाइट हो रहा है, इंटरनेशनल फाइट। और मैं चाहता हूं कि यहाँ युवा ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बढ़ चढ़ के भाग लें और सभी को सीखना चाहिए। इसमें आप नशे से दूर रहेंगे, आप अपनी सेफ्टी आपके साथ है, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होता है। जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है हमारे युवाओं के लिए। आप अच्छे से, सभी लोग टीम कार्यरत है युवाओं के लिए और युवाओं को अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए।
अगर हम बात करें प्लेटफॉर्म की, तो मेरा अगला सवाल भी यही रहेगा कि जहाँ तक मैं जानती हूँ, जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, या कि MMA के पास अभी तक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म या ऐसा कोई एकेडमी नहीं है जहाँ पर हमारे युवा वर्ग जाकर एक डेली रूटीन में प्रैक्टिस कर सके, तो इस चीज़ के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जहाँ तक मैं जानती हूँ एक खिलाड़ी के लिए, तो इसके लिए कितना कार्यरत है UFL, मैं आपसे जानना चाहूँगी। आपने बहुत अच्छी बात कही, और अगर आप नहीं भी ये सवाल करते शायद मैं खुद ही इसका आपको बता देता जवाब। जी ज़रूर। हाँ, मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो टारगेट है, हम युवाओं को नशे से मुक्त कराना चाहते हैं, युवाओं को हम आगे ले जाना चाहते हैं, परंतु हमारी जो सरकार है बड़ी विडम्बना है, नहीं मतलब यहाँ हमारे मतलब टैलेंट की कदर नहीं है। कोई भी इस तरह का कोई भी फिटनेस प्रोग्राम होता है, कोई भी गेम है, मतलब खेल को बढ़ावा नहीं दिया जाता है, खेल को महत्व नहीं दिया जाता है। जबकि सबसे पहला अगर हम हमारा एक स्लोगन जो है, हम फिट तो इंडिया हिट, तो इसको फिट और हिट रखने के लिए हमारे ऊपर सरकार का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद की ज़रूरत है, जो हमें नहीं मिल पा रहा है। हम जो भी करते हैं, हम जगह जगह पे कैंप लगाते हैं, हम स्कूलों में जाके फ्री कोचिंग देते हैं, हम इस तरह की बहुत सारे एक्टिविटीज़ है हमारे UFL की। हमारे UFL के जो चेयरमैन हैं बहुत जो झारू और कर्मठ है, और जिनकी वजह से आज UFL बहुत आगे तरक्की कर रहा है, और हम चाहते हैं हमारे जो इंडिया के जो नौजवान हैं इनको हम प्लेटफॉर्म दें और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म दें। वो तभी संभव है जब सरकार हमारा साथ दे। मेरी सरकार से भी करवट विनती है, प्रार्थना है कि वो सुने। खासकर देश का युवा अगर ज़िंदा रहेगा तो देश ज़िंदा रहेगा, अदरवाइज देश का जो हमारी जो शान है, आज इंडिया की जो शान है, वो ज़्यादातर मेरे हिसाब में 65-70% जो युवा है यहाँ पर है, और सब अगर फिट रहेंगे तो इंडिया वैसे हिट हो जाएगा। और हमें पूर्ण विश्वास है, सरकार से गुजारिश मैं फिर करता हूं कि वो हमारा साथ दें और हम इस प्रोग्राम को और आगे ले जाएंगे और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म हम देना चाहते हैं अपने नौजवानों को। जी गुरुजी, आपने बहुत ही अच्छे विषय पे हमसे चर्चा करते हुए साझा किया है कि सरकार द्वारा एक अच्छा रिस्पांस ना आना भी कहीं ना कहीं कारण है कि युवाओं को उस तरीके से एक अच्छा प्लेटफॉर्म अभी तक नहीं मिला है जिसका उद्देश्य आप लोग लेकर चले हैं। और हमारी ये गुजारिश है कि जल्द ही सरकार ज़रूर इस विषय पर बात करेगा और आगे आएगा और ज़रूर मदद मिलेगी। बहुत ही अच्छी बात है। गुरुजी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जो मेगा इवेंट हमारा UFL नेक्स्ट मंथ करवाने वाला है, आपको अपने विचार से क्या लगता है कि ये इवेंट कितना ज़्यादा हमारे युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा, कि हमारे युवा इस पर कितना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने वाले हैं? अभी तक के जो रिस्पांस आए हैं उससे आपको क्या लग रहा है कि कितना आगे जाने वाला है? बिल्कुल, ये तो बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध रहेगा, क्योंकि आपको ने सुना है, आपने पढ़ा होगा, हेल्थ इज़ वेल्थ, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, इससे बड़ा कोई धन नहीं होता है। इस माध्यम से अगर आप और कुछ भी ना कर पाएँ, कम से कम आप स्वस्थ रह सकते हैं। अपने सबसे बड़ी बात है, स्वस्थ रहने के साथ आप सेल्फ डिफेंस आपको मिलता है, आप खुद अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और आगे कहीं भी किसी को भी कोई प्रताड़ित करे, आप इतना सक्षम हो जाते हैं कि आप उसकी भी हेल्प कर सकते हैं। जी, बहुत खूब। और ये जहाँ तक यहाँ पर काम करने की बात है, हम अभी पूरे लगभग 25 या 26 दिन आज हो गया है हमें, हम यहाँ पर पूरे ग्राउंड लेवल से काम कर रहे हैं और अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, यूथ हमारे साथ आ रहा है और यूथ इस ओर आकर्षित हो रहा है, क्योंकि हम यही चाहते हैं, क्योंकि इससे उनको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है जो आपके सामने होंगे, आ जाएगा हर चीज़ का रिज़ल्ट है। हम जहाँ भी गए हमें अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं, और यूथ का साथ है, यूथ बस वही प्लेटफॉर्म की बात है, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, और हम इस माध्यम से UFL के माध्यम से, और मैं उनको प्लेटफॉर्म, हम लोग अपने UFL के माध्यम से उनको प्लेटफॉर्म देंगे। जी गुरुजी, आपने बहुत अच्छे से अपने विचारों को साझा किया है, हमें बहुत ही डिटेल में बहुत छोटी छोटी बारीकियों को बताया है। मुझे अच्छा लगा ये जानकर कि हमारी टीम 25-26 दिनों से कार्यरत है, दिन रात कार्य कर रही है कि इस जो हमारा जो विषय है, जो उद्देश्य लेकर हम चले हैं, वो बहुत आगे जाए
और हम इस पर ज़रूर सफल होंगे, ये सच है। इसी के साथ मैं चाहूँगी कि आप एक छोटा सा संदेश इस इंटरव्यू के माध्यम से आप अगर साझा करना चाहते हैं हमारे युवाओं के साथ, तो प्लीज़ आपका एक संदेश हम ज़रूर चाहेंगे। बिल्कुल, संदेश बिल्कुल क्लियर है, वैसे पूरे इंटरव्यू में संदेश ही है। तो मेरा एक क्लियर, बिल्कुल हमारा UFL का क्लियर विज़न है। हम एकदम सभी जो नौजवान हैं, मेरा उनसे आह्वान है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आगे आएं और इस गेम के माध्यम से वो गेम को अपनाएं और शुरू करें अपने जीवन में। जब तक वो जो चीज़ें होती है, मेरे सबसे मतलब क्लियर एकदम, वो अपना सुबह उठ के सवेरे आप एकेडमी में जाते हैं, उसके बाद आप लोग मतलब एक टाइम टेबल होता है आदमी का, वो बन जाता है, बिल्कुल पूरा दिन का आपका टाइम टेबल बनता है। मतलब ये जो हमारा UFL हो रहा है और युवाओं के लिए, तो बिल्कुल मेरा क्लियर संदेश है कि वो बढ़ चढ़ कर भाग लें इस गेम के माध्यम से, उनकी लाइफ चेंज हो गई, ज़िंदगी बदल सकती है। क्योंकि अगर उनका स्वास्थ्य सही रहेगा तो बिल्कुल देश, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारा देश इसीलिए तभी वो आगे जाएगा। युवा ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें। और ज़्यादा ना कहता हुआ एक बार फिर से मैं UFL का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उसका सभी खिलाड़ियों की ओर से और हमारे CMD साहब की ओर से जो फिर बोलना चाहूँगा कि वो बहुत ही एक अच्छे इंसान है, नेक इंसान है और उसके साथ वो बहुत परिश्रमी है जो करते हैं और हमें भी बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो हम पूरे एनर्जी के साथ और इस देश का जो युवा है उसका मेरा क्लियर सा संदेश है, वो आए हमारे साथ मिलकर चलें और इस देश को हम आगे ले जाएं और इस देश की तरक्की के लिए, इस देश के तरक्की के, हम सब मिलकर काम करें, एक साथ मिलकर। ये जो उद्देश्य हैं जो हम लोग लेकर चले हैं ये ज़रूर पूरा होगा, ऐसा गुरुजी का भी मानना है कि अगर हम सच्चे दिल से ठानते हैं, पूरा करते हैं, तो आने वाले युवा वर्ग को हमारे लिए एक ही संदेश है कि वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। तो ज़रूर सभी हिस्सा लेंगे और हमारा जो इवेंट है वो ज़रूर सक्सेसफुल रहेगा। और इसी के साथ हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं गुरुजी, जो आपने हमसे सारे ये विचार को साझा किया। तो ज़्यादा ना कहते हुए मैं आपसे इतना कहना चाहूँगी कि इसी तरीके की जानकारी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलकर उनके विचारों को आप तक लेकर आएंगे, इसीलिए आप हमारे साथ बने रहिए UFL के साथ। धन्यवाद।